दोस्तों, अब हम इसकी करते हैं टेस्ट राइड बढ़िया सी। तो अभी मैं इसको लेके चलता हूँ। लोकेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो लोकेशन काफ़ी अच्छी है, वो मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो इसको हम थोड़ा ऑफ रोड लेके आ गए थे, तो अभी हम इसको लेके चलते हैं रोड पे, देखते हैं क्या रहेगा इसका एक्सपीरियंस चलाने में। तो अभी बिल्कुल मडी इलाका है, मतलब बारिश हो गई है, रास्ता थोड़ा कच्चा ही है। तो अब हम थोड़ा सा इसको दिखाते हैं आपको कि ये रेस कैसे पकड़ती है। अभी ये इस टाइम फर्स्ट गियर में है, तो सेकंड गियर में पिकअप डिलीवरी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी आप देख सकते हो कि ये आराम से इसमें आपको 50 to 60, मतलब आराम से 2-3 सेकंड में आप इसको अचीव कर सकते हो। 2-3 सेकंड लगेंगे और इसकी टॉप स्पीड आगे की वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी नया इंजन है तो टॉप स्पीड हम इसमें पंगा नहीं लेते, तो अभी इसमें आपको 50-60 ये आराम से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और इसकी जो लुक्स होने वाली है बाइक्स की, वो तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थी। अब एक बार इसमें ब्रेक लगाते हैं, ड्यूअल ABS है। अभी ये बाइक मेरी 60 पे करीब करीब है, 55-60 पे है, ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक्स देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्रेक्स है, ब्रेक्स काफ़ी जल्दी लग गई हैं। एक बार और ट्राई करेंगे, थोड़ा सा रोड गीला था तो अभी एक बार फिर से ट्राई करते हैं। बाकी आप लोग एग्जॉस्ट का साउंड सुनाई दे रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, कि एग्जॉस्ट का साउंड इसका कैसा आता है वो मैं आपको दिखा दूंगा आगे कभी वीडियो में। एग्जॉस्ट का साउंड भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। एग्जॉस्ट इसमें आपको नीचे वाला मिलता है देखने के लिए, मतलब बाहर नहीं होता। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक टेस्ट करूंगा, तो अभी एक बार चलते हैं। सामने पानी आने वाला है, थोड़ा सा उसको वहीं रोकेंगे। तो ब्रेक्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, ब्रेक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ब्रेक्स काफ़ी अच्छा है। ड्यूअल चैनल ABS के बाद तो काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें अपडेट हो गई हैं, तो आप लोग समझ। अरे यार, ब्रेक्स और 160 के हिसाब से इसका पिकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैंने इससे पहले भी बहुत सारी बाइकें ट्राई की हैं, तो पिकअप थोड़ा सा, मतलब 150 cc तक पिकअप थोड़ा कम ही रहता है। मतलब वो फील कराती हैं कि मतलब लो पावर है, लेकिन इससे पावर की कोई कमी नहीं है, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टेड आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो पावर की कोई कमी नहीं है, आराम से आप इसको जैसे मर्जी आप इसमें पिकअप डाल सकते हो। काफ़ी ज़्यादा आप पावरफुल इंजन होने वाला है, मतलब 70-80 तो ये आराम से पहुँच जाती है बिना किसी दिक्कत के। तो पावर में इसमें कोई कमी नहीं होने वाली, पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाली है। बाइक अगर मतलब आप कटिंग और लीनिंग करते हो तो उसके हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है बाइक। मतलब काफ़ी अच्छा लीन करती है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप ज़्यादा लिटाओगे तो ज़्यादा जल्दी, ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी अच्छा, मतलब टायरों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, टायर काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। तो पहाड़ों में एक दिन टेस्ट करेंगे इसका, फिर आपको पता लग ही जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो रोड पे काफ़ी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस इसका आ रहा है बाइक का। इस बाइक के जो टैंक कैपेसिटी है वो मैं आपको बताना भूल गया था, इसमें 12 लीटर का आपको फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है। और इसमें आपको 35 to 40 आपको इसमें माइलेज मिल जाएगी। 50 भी आप ले सकते हो 160 के हिसाब से, पर ये राइडिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी राइडिंग करते हो। तो मेरे हिसाब से आप 35 या 40 आप इसमें रख के चलिए, क्योंकि 50 तो शायद ही कोई इसको, अगर स्पोर्ट्स बाइक है तो शायद ही इसको कोई लिमिट में चलाएगा, थोड़ा बहुत इसको भगाएगा ही। तो माइलेज का थोड़ा सा इशू आपको हो सकता है, 35 से 40 आपको इसमें माइलेज देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताना। बाकी मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ऐसी ढेर सारी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी।